आज हम बेबी स्वेटर का सेकेंड पार्ट बनाएंगे। तो हमने आस्तीन के फंदे सारे फंदे घटा लिए हैं और अब ये फ्रंट का पार्ट है, तो सारे फंदे हम सीधा बुन लेंगे। सारे फंदे सीधा बुनते हुए हम आस्तीन के पास आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट के सारे फंदे बुने जा चुके हैं और हम आस्तीन वाले पार्ट पे आ गए हैं। तो हमने आस्तीन पे 32 फंदे 32 स्टिचेस घटाए थे, तो अब हमको यहाँ पे 32 स्टिचेस वापस बढ़ाने होंगे। एक, दो, तीन, यहाँ पे हमने 32 फंदे डाल लिए हैं और ये अब बैक का पोर्शन है, तो सिलाई यहाँ पे लगाएंगे और सभी फंदे बैक के सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो बैक के सभी फंदे सीधे बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बैक के सभी फंदे सीधे बना लिए गए हैं और वापस हम दूसरे आस्तीन पे आ गए हैं। तो यहाँ पर भी हमें 32 स्टिचेस बढ़ाने होंगे। एक, दो, तीन, चार, तो दूसरी साइड भी 32 फंदे बढ़ गए हैं और अब हम दूसरी आस्तीन पर भी 32 फंदे बढ़ गए हैं और हम फ्रंट की तरफ हैं, तो अब फ्रंट के सभी फंदे सीधे बना लेंगे। सिलाई ऐसे लगाएंगे और सभी फंदे सीधे बना लेंगे। सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड, फ्रंट के सभी फंदे सीधे बुन लिए गए हैं। अब ये वो फंदे हैं जो हमने बढ़ाए हैं आस्तीन घटाने के बाद, जो हमने बढ़ाए हैं। तो जैसे हमारा ये आस्तीन है बॉर्डर सिंगल रिब में, ऐसे ही हमें इसे भी बुनना है, यानी एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। थोड़ी सी परेशानी होगी। ऐसे ही एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए सारे फंदे आस्तीन के बढ़ाए हुए सारे फंदे बुन लिए जाएंगे। आस्तीन के 32 फंदे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा सिंगल रिब में बुनते हुए कंप्लीट कर लिए गए हैं और अब ये बैक पोर्शन है, तो बैक पोर्शन के सभी फंदे सीधे बना लिए जाएंगे। सभी फंदे सीधे बुनते हुए हम दूसरे आस्तीन के पास पहुंचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैक के सभी फंदे सीधे बुनते हुए हम आस्तीन पर आ गए हैं, तो इसमें भी हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा यानी सिंगल रिब की तरह बुनते हुए सभी फंदे कंप्लीट कर लेने हैं। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इसी तरह बुनते हुए सारे फंदे कंप्लीट कर लेने हैं। तो आस्तीन के सभी फंदे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बॉर्डर की तरह बुनते हुए कंप्लीट कर लिए गए हैं। इस तरह फ्रंट और बैक के सभी फंदे हमें सीधे बुनने हैं और आस्तीन के फंदे
हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बॉर्डर की तरह बुनना है। इस तरह हम कुल 6 लाइन बुनेंगे। 2 लाइन कंप्लीट हो गया है और 4 लाइन और बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 6 लाइन बन के कम्प्लीट है वो, और ये ऐसा दिख रहा है। आस्तीन के पास देखिए, ये ऐसा दिख रहा है और फ्रंट और बैक से ऐसा, फ्रंट और बैक से ये ऐसा दिखाई देगा। तो अब हमें सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। आस्तीन के फंदे भी और फ्रंट और बैक के भी फंदे, सभी फंदे सीधे सीधे ही बुनने हैं। इस समय इसकी लंबाई है 17 सेंटीमीटर और हमें 34 सेंटीमीटर तक बुनना है। तो 34 सेंटीमीटर बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 34 सेंटीमीटर बन के कम्प्लीट हो गया है और अब हमें इसमें बॉर्डर बनाना है, यानी एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, यानी सिंगल रिब में बॉर्डर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 9th रो कंप्लीट हो गया है बॉर्डर का और अब ये 10th रो है। हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। तो ये अब 10th रो है। तो इसमें हम बॉर्डर को घटा लेंगे। बॉर्डर घटाने का तरीका वही है, 2 फंदा हम बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा लेंगे। चूँकि ये बॉर्डर है इसलिए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम घटाएंगे। अगला फंदा सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा उठाएंगे और आगे वाले पे चढ़ा देंगे, उन अपनी ओर करेंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। देखिए ये घटना शुरू हो गया है। तो इसी तरह एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए सभी फंदे घटा लेंगे। तो फिर मैं आपको घटा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे उतार लिए गए हैं। अब सिर्फ 2 फंदे शेष हैं। तो सीधा हो गया और लास्ट फंदा उल्टा है, उसे उल्टा बुन लेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे। और अब और फिर इसे काट लेंगे और इस फंदे में से ऐसे निकाल लेंगे और थोड़ा टाइट कर लेंगे। और अब फिर धागे में, फिर धागे को सुई में डालेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे अटैच कर देंगे ऐसे। और फिर इसको अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे। और फिर इस धागे को भी अंदर कर देंगे। देखिए फ्रेंड, स्वेटर बनके तैयार है। अब हमें यहाँ पे एक जेब लगा देना होगा। तो जेब के लिए मैंने 24 फंदे डाले हैं और 6 लाइन का बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर 6 लाइन का बॉर्डर बनाने के बाद फिर मैंने 9 सेंटीमीटर, देखिए 9 सेंटीमीटर प्लेन बुना है।
और टोटल लेंथ हो गया है 11 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर प्लेन बुनने के बाद फिर मैंने 5 लाइन बॉर्डर बनाया है। और अब ये छठा लाइन है और इसमें मैं इन फंदों को क्लोज कर लूँगी। तो पहला फंदा सीधा ऐसे सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा है उसे सीधा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा उठाएंगे और आगे वाले पे चढ़ाएंगे। तो इस तरह एक फंदा सीधा बुनते हुए और अगला फंदा उल्टा बुनते हुए, सीधे फंदे को सीधा बुनते हुए और उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनते हुए और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते हुए सभी फंदे क्लोज कर लेंगे। तो मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे क्लोज कर लिए गए हैं और मैंने धागे को सुई में डाल लिया है। अब इसे यहाँ रखेंगे सेंटर में और इसे ऐसे अटैच कर देंगे। इसको एक दो बार सिल के ऐसे मजबूत कर लेंगे और फिर हम इसकी सिलाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्वेटर बनके तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।